हेलो एवरीवन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बायोडावर्सिटी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन लाइक ग्लोबल टाइगर फोरम आईयूसीएन ट्रैफिक एंड एनजीटी इन टॉपिक्स से रिलेटेड हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आई थिंक क्रिटिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम गाजी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से वाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द ट्रैफिक एंड एन जी ओ मॉनिटरिंग दाइल्ड लाइफ ट्रेड ग्लोबली देखिए ट्रैफिक जो है एक इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करने वाला उसके फील्ड में काम करने वाला एक एन है मतलब कह सकते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि साइट्स जो काम करता था सेम वही काम ट्रैफिक करता है साइट्स गवर्नमेंट का है ट्रैफिक एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कह सकते हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन है वो साइट जो था वो एक एन की फार्म में नहीं था बल्कि एक कन्वेंशन था तो इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंस है हम इसके बारे में देखने वाले हैं कि क्या चीज़ सही नहीं है ठीक है नॉट ट्रू ट्राफिक और ट्राफिक क्या है एक एन जी ओ मॉनिटरिंग दाइल्ड लाइफ ट्रेड ग्लोबली जो वाइल्ड लाइफ जो प्लांट और एनिमल का ट्रेड होता है ग्लोबली मतलब जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है उसे मॉनिटर करता है ये कि कहीं ऐसा नहीं हो इतना ज़्यादा ट्रेड हो जाए कि बायोडावर्सिटी डैमेज हो जाए ठीक है तो इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं उनमें से हमें ये करेक्ट करना है कि कौन सा फैक्ट इसके बारे में सही नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन जो इसका ए ऑप्शन है उसमें लिखा इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू टू साइट्स हमने अभी बताया कि साइट्स और ट्रैफिक का काम एक ही है दूसरे में कह रहा है कि इट इज ए स्ट्रेटजिक अलायंस एलायंस मतलब गठबंधन है जो प्लानिंग करता है स्ट्रेटजी बनाता है डब्लू डब्ल्यू जो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है और आई का एक स्ट्रेटजिक अलायंस है ये बात बिल्कुल सही है दोनों बातें सही है तीसरे में कह रहा है कि अपोजिट टू साइट इट इज ए कन्वेंशन देखिए यहाँ पर पॉइंट देखिए अपोजिट टू साइट इट इज कन्वेंशन हमने बोला कि साइड कन्वेंशन है और ट्रैफिक एक ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टेटमेंट यहीं से क्लियर कट गलत हो गया तो करेक्ट आंसर यही बात है और फोर्थ में कि इट इज़ वर्किंग इन द नेक्स्ट ऑफ बोथ बायो कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सही बात है ये जो बायोडावर्सिटी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में काम करता है ठीक है बायोडाविटी कंजर्व भी रहे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बना रहे हैं तो इसके बारे में क्या जो करेक्ट बात नहीं सही सही बात नहीं है वो है सी कि अपोजिट टू साइड्स इट इज ए कन्वेंशन कन्वेंशन टू साइड्स है और ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन है एन जी ओ तो ये बात जो है सही नहीं कह रहे अपोजिट टू साइड इट इज कन्वेंशन नहीं तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा है सी सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं कि इन विच आर वी फॉलोइंगज डेवलप्ड ए रिसर्च ड्राइव इन एक्शन ओरिएंटेड कमिटेड टू डिलेवरिंग इनोवेटिव एंड प्रैक्टिकल सोल्यूशन फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च हो रिसर्च के थ्रू एक्शन ओरिएटेड कमिटेड टू डिलेवरिंग इनोवेटिव एंड प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाले कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को हाउ बी कंजर्व बायोडावर्सिटी प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है साइट्स है ट्रैफिक है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इंटरनेशनल है बोथ बी एंड सी ट्रैफिक एंड डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इंटरनेशनल गाय जो करेक्ट आंसर है इसका वो ट्रैफिक है ट्रैफिक एक रिसर्च और ड्राइविंग एक्शन ओरिएंटेड एंड और कमिटेड टू इनोवेटिव एंड प्रैक्टिकल सोल्यूशन की तलाश करता है किस लिए बायोडाटी कंजर्वेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेक्ट आंसर भी थर्ड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं इंडियाज फर्स्ट कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन स्पॉन्सर्ड एंड कैरीड आउट बाय दी ट्रैफिक देखिए ट्रैफिक का इंडिया से क्या संबंध है ट्रैफिक ने इंडिया के रेफरेंस में क्या काम किया अभी तक वॉन्टेड ए लाइफ डोंट बाई ट्रेवल सोवन एंड ऑल ऑफ द देखिए पैसे तो प्रोग्राम ये तीन जो प्रोग्राम है एक तो ये गठबंधन कराए इन्होंने स्वान नाम से भी आगे बताएंगे इसके बारे में और जो दो प्रोग्राम है वो इसी के चलाए हुए वांटेड एलाइम एंड डोंट बाई ट्रबल बट यहाँ रहा है कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम की बात करें तो बाई देखिए बाई मैं थोड़ा परचेस करना तो कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो डोंट बाई ट्रबल कुछ ऐसी चीज़ें आप एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन या किसी टूरिस्ट प्लेस पर ना परचेस करें जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हूँ बायडाइवर्सिटी इसका मतलब इसलिए नए कंपनी चलाई थी कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम था ये डोंट बाई ट्रबल ये ट्रैफिक के थ्रू इंडिया में संचालित एक कंपेन थी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट इज़ अबाउट द ग्लोबल टाइगर फोरम काफ़ी इंपॉर्टेंट इस पर मैं वीडियो कंप्लीट बनाऊंगा आपके लिए पहले इस पर देख लेते हैं थोड़ा सा आइडिया कि व्हाट इज ग्लोबल टाइगर फोरम के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है क्या बात गलत है और इसके बारे में जो भी बातें हैं वो एक लाइन में क्लियर हो जाएँ इंडियन इंडिया सॉरी इंडिया भूटान एंड नेपाल गवर्नमेंट्स विद डब्ल्यू डब्ल्यू इन्वॉल्व इन दिस स्टडी सबसे पहले समझेंगे ग्लोबल टाइगर फोरम एक स्टडी है कहाँ पे स्टडी करते हैं हाई एल्टीट्यूड पे टू एसज दी हैबिटेट ऑफ टाइगर मतलब जो ऊंचाई पे टाइगर है हाई एल्टीट्यूड पे जो टाइगर प्रेजेंट होते हैं उनके हैबिटेट के बारे में स्टडी करने का नाम है ग्लोबल टाइगर फोरम ठीक है तो ग्लोबल टाइगर फोरम में तीन साउथ एशिया कंट्री एक इंडिया भूटान और नेपाल की गवर्नमेंट जो है काम करती है मिलकर और साथ में आपका डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इंटरनेशनल भी इन्वॉल्व है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दूसरा है कि सिचुएसन एनालिसिस स्टडी फॉर असेसिंग टाइगर हैबिटेट स्टेटस इन हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम देखिए हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम में टाइगर के जो हैबिटेट हैं उन्हें असेसमेंट करता है कि वो कितने सुटेबल हैं उसके कंजर्वेशन के लिए या वो सही से कंजर्व कर भी पा रहे हैं जो फैसिलिटी टाइगर को मिलना चाहिए वो वहाँ पर हैं भी या नहीं है थर्ड में कह रहा है इट्स लेटेस्ट स्टडी इवॉल्विंग एंड इन सीटू कंजर्वेशन रोड मैप बिल्कुल सही बात है इसकी जो नई स्टडी आई है रिसेंट स्टडी आई जी टी की वो ये बता दें कि इन सीटू कंजर्वेशन रोड मैप तैयार करने में उससे मदद मिली है इन सीटू मतलब जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पे जो टाइगर के हैबिटेट हैं उन्हें वहीं पे कैसे करके कंजर्व कर दें ठीक है उस रिपोर्ट को बनाने में इसका जो एनालिसिस थी वो उसने काफ़ी हेल्प किया है इसके बाद डी ऑप्शन जो है आपका इट इज सपोर्टेड बाई आई एच सी पी जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम एंड के डब्ल्यू एफ मतलब एक जर्मन डेवलपमेंट बैंक है ये इसमें सपोर्ट कर रहे हैं ये बात भी बिल्कुल सही है बहुत इंपॉर्टेंट इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको जी के बारे में मिल गई क्वेश्चन इससे ज़्यादा बाहर नहीं आ सकता अभी इसके बारे में इसकी ओरिजिन कब हुई सब बताऊंगा आगे तो गाय जी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सही है आलादी अब इज़ ट्रू अबाउट दी टी एफ ग्लोबल टाइगर फोरम के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन हम फाइव में डिस्कस करते हैं कि हेड क्वार्टर ऑफ काफ़ी इंपॉर्टेंट आपने सुना होगा काफ़ी चर्चा में रहता है ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है एन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं जो कोई स्पेसिफिक कोई इंडस्ट्री लग रही है तो ऐसा देखा जाता है कि सब प्लांट को कट कर देते हैं तो इसमें परमिशन लेना पड़ती है एनजीटी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के सुपरविजन में चलने वाला प्रोग्राम है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज लोकेटेड इन दिल्ली बिल्कुल करेक्ट आंसर एक तो बात ये होगी दिल्ली में लोकेटेड है इसका हेड क्वार्टर एंड हैज़ फोर अदर बेंचेज सिटिंग इन इसकी चार और बेंचेज हैं जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है उसके हाई कोर्ट होते हैं तो हाई कोर्ट की जैसे इलाहाबाद है तो उसका लखनऊ ब्रांच होती है इसी तरीके से एन के जो चार अलग से इसके जो सिटिंग है, बेंचेज़ हैं वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है आपको उनकी लोकेशन के बारे में देना है तो पहला है कोलकाता भोपाल लखनऊ एंड देहरादून दूसरे में भोपाल कोलकाता चेन्नई एंड पुणे थर्ड में चेन्नई कोलकाता सिलोंग एंड पुणे और फोर्थ में कोलकाता मुंबई हैदराबाद एंड पुणे तो गायज यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका है बी भोपाल कोलकाता चेन्नई एंड पुणे तो इसे ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं आप के बी सी करके देखिए कोलकाता भोपाल चेन्नई और के बी सी कहाँ से प्रसारित होता है कहाँ पे इसकी वो होती है मुंबई में तो पुणे भी मुंबई में महाराष्ट्र के दोनों सिटी हैं तो आप मुंबई में आ करके पुणे ध्यान रखें कि के बी सी कहाँ से प्रसारित होता है पुणे से इस तरीके से आप इसे आइडिया कर सकते हैं के बी सी मतलब भोपाल कोलकाता चेन्नई एंड पुणे इसकी चार जो हैं सब डिविजन्स मतलब बेंचेज हैं इसकी एन जी टी की और हेडक्वार्टर कहाँ पर दिल्ली में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे विच बॉडी इन्वेस्टिगेट्स एंड एनालिसिस ट्रेंड पैटर्नस इम्पैक्ट्स एंड ड्राइवर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रेड टू प्रोवाइड द लीडिंग नॉलेज बेस ऑन द ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एनिम वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स बहुत ही अच्छी बात कह रहा है कि विच बॉडी इनमें जो चार बॉडी मैंसन है नीचे ऑप्शन की फॉर्में इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जो इन्वेस्टिगेट करती है एनालिस करती है ट्रेंड पैटर्न इम्पैक्ट्स एंड ड्राइवर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो इन वाइल्ड लाइफ ट्रेड को बढ़ाने का उसका पैटर्न क्या है ट्रेंड क्या है इंपैक्ट्स क्या होते हैं उसकी पे ठीक है और प्रोवाइड करता है क्या नॉलेज बेस ऑन द ट्रेड इन द वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट इनके केस में जो एनालिसिस करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा है तो गाइज इसके फील्ड में एनालिसिस करने वाला है ट्राफिक ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्गन है बहुत, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसी में बनाया साइट्स के बारे में जो कम इंफॉर्मेशन है बट ट्राफिक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पैरेलल टू साइट्स के काम करता है जो साइट करता, करता है वही करता है साइट गवर्नमेंट समझ सकते हैं ट्रैफिक एक प्राइवेट आर्ग है के फॉर्म में काम करता है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इन बीच आज फॉलोइंग प्लेड इंपॉर्टेंट रोल टू फॉर्म द साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क जिसकी देखिए फुल फॉर्म क्या होती है एस ए डब्ल्यू क्या मतलब हुआ साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क टू फाइट वाइल्ड लाइफ क्राइम इन साउथ एशिया ये साउथ एशियन कंट्री साउथ एशिया के जो रीजन है इसमें क्राइम जो वाइल्ड लाइफ क्राइम हो रहा है उससे फाइट करने के लिए एक ज्वाइंट एफर्ट है कुछ कंट्री कंट्रियाँ उसमें साउथ एशियाई कंट्री हैं जिनका नाम बना ऑर्गेनेशन का नाम बनाया गया साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क ठीक है जिसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एस ए डब्ल्यू एन सोन तो ये जो एफर्ट करा है किस ऑर्गेनाइजेशन का है जिस नीचे जो मेंशन है साइट्स ट्रैफिक डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ऐसा हुआ है या साइट के थ्रू या ट्रैफिक के थ्रू या डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इंडिया तो ये जो गठबंधन हुआ है साउथ ईस्टर्न कंट्री का इसे कर, कराने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका है ट्रैफिक देखिए इसका भी आंसर ट्रैफिक है बहुत कुछ काम कर रहा है बहुत अच्छे काम कर रहा है ट्रैफिक इन फील्ड ऑफ बायोडावर्सिटी कंजर्वेशन हम क्वेश्चन एट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट में हम देखते हैं कि जो बात बोली गई कि व्हाट इज दयु सी रेड लिस्ट स्टेटस ऑफ द प्यूमा आपने देखा होगा प्यूमा की टी शर्ट पहनते हैं हम लोग प्यूमा लिखा होता है ब्रांड है जो ठीक है तो इसके बारे में बात करें कि जो आयु रेड लिस्ट स्टेटस है प्यूमा का क्या है अब प्यूमा क्या हो सकता है आप भाई देखिए प्यूमा एक एनिमल है हम लोग टी शर्ट पहनते हैं ब्रांड है वो तो अलग बात है वो प्यूमा एक रियल में एक एनिमल है और उसको हम कॉमनली बोलते हैं माउंटेन लाइन पहले तो ये क्वेश्चन देखिए दूसरा बोलते हैं कॉगर्स अच्छा तीसरा इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिए कि लार्जेस्ट जियोग्राफिक रेंज टेस्टियल मैमल्स मतलब सबसे लंबी मतलब दौड़ जिसकी होता नहीं रेंज जिसकी है और टेस्टियल मतलब ज़मीन पर रहने वाला जो मैमल्स है वो पूमा है और कहाँ पाया था वेस्टर्न हेमिसफियर अगर बर्ड मैप पे वेस्टर्न हेमिसफियर देखें तो उसमें आपको नॉर्थ अमेरिका वगैरह दिखेगा ठीक है और नॉर्थ अमेरिका में कौन है आपका यूएसए है मैक्सिको है और कनाडा वगैरह है ठीक है थीके? तो गाइज जो ये आप एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि जो यू का जो स्टेट है ना अलास्का वगैरह जो रसिया से टच है कभी जमाने में रसिया का हुआ करता था उन जगहों पर पाया जाता है प्यूमा ठीक है और प्यूमा का जो आयु सी रेड लिस्ट स्टेटस है मतलब रेड लिस्ट में इसकी क्या पोजीशन है मतलब एक्सटिंट हो चुका है लिस्ट कंसर्न है क्रिटिकल इंडेंजर्ड है या इंडेंजर्ड है तो भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आराम से आइए तो इसका जो स्टेटस होगा वो क्या होगा लिस्ट कंसर्न है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि आई एच सी पी जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ मतलब ये जो टाइगर इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन प्रोग्राम है किसका इनिशिएटिव है कौन सा मतलब बर्ड बैंक इसे प्रमोट कर रहा है बर्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन आई क्या है वो या फिर हमारा जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट India ऑफ इंडिया है या फिर इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इसके थ्रू ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है तो गाय ये इंटीग्रेटेड है क्योंकि पूरी कंट्री मतलब पूरी कंट्री कई सारी बर्ड की जुड़ी हुई तो टाइगर हैबिटेज कंजर्वेशन प्रोग्राम तो आप आइडिया कर सकते हैं ये है आपका आयू का प्रोग्राम ठीक है आई टी जो प्रोग्राम है वो आयू के थ्रू सपोर्टेड है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ये खुद में प्रोग्राम अब आगे देखते हैं कि ये खुद एक प्रोग्राम चलाता है आई जो इंटीग्रेटेड टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम इज कंट्रीब्यूटिंग दी एक जी टी एफ है पहला क्वेश्चन जो था हमारा ग्लोबल टाइगर फोरम अब यहाँ पे आया जी टी आर पी इसका मतलब होता है ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम इज ए ग्लोबल एफर्ट एक F प्रयास चल रहा है इसका नाम रखा गया जीटीआरपी जी टी आर पी थ्रू चलाया गया अंडर आई टी एस सी पी और आई टी सी पी कौन को प्रमोट कर रहा है आई सी एन प्रमोट इसका मतलब आप समझते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज तो ग्लोबल एफर्ट किस लिए ग्लोबल एफर्ट हो रहा है देखिए टू मैक्सिमाइज द टाइगर नंबर थ्री टाइम्स जो आज है वो तीन टाइम करने के लिए काम कर रहे हैं ये प्रोग्राम जी जो है या टू मैक्सिमाइज द टाइगर टाइगर नंबर को बढ़ाने का काम कर रहा है या टू मैक्सिमाइज टाइगर नंबर डबल इन वाइल्ड बाई 2022 मतलब 2022 तक जो बाइल्ड जंगल में मतलब सर्कस वाले नहीं जंगल में जो टाइगर्स हैं उनकी नंबर को डबल करने की बात कर रहा है या सेम क्वेश्चन करने के बाद 2020 तक उसका टारगेट है यही करने का तो गाइज इसका जो टारगेट है वो टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ टाइगर डबल इन वाइल्ड बाई दो तक ना कि बीस तक करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी जो डी का प्रोग्राम है कि दो तक टाइगर का जो नंबर है उसे हम डबल कर लेंगे ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क ऑलरेडी पहले भी हम इसकी बात कर चुके हैं ट्रैफिक का एक प्रोग्राम है ऑर्गेनाइजड इन विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन 2011 में इसका जो फॉर्मेशन हुआ है इन 2011 बाय इलेवन एफर्ट ऑफ़ ट्रैफिक जो कि एक एन है मॉनिटरिंग करता है वाइल्ड लाइफ ट्रेड ग्लोबली ठीक है तो इस मतलब ट्रैफिक ने तो इसे सभी को बनाया है जो साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क है बट इसकी जो मतलब मीटिंग हुई थी इसे प्रमोट मतलब इस, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट इसका एग्जिस्टेंस में जब ये आया था तो वो कहाँ पे हुई थी किस कंट्री में नेपाल भूटान म्यांमार वियतनाम देखिए साउथ एशियन कंट्री है तो ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते इसके बारे में सब कंट्री में तो नहीं हो सकता इसमें चार ही ऑप्शन सही चाहिए इसे हम काट दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इन चार कंट्री में से हमें ऑप्शन बताना है तो करेक्ट इसका आंसर जो गाइज है वो आपका ये हुआ था आपका भूटान में भूटान का एक सिटी है पारो वहाँ पे इसका ऑर्गेनाइजेशन मतलब बना था ये सेवन इसके बाद हम बात करते हैं ट्रैफिक के बारे में फिर क्वेश्चन आया देखिए ट्रैफिक एन एन जी ओ मॉनिटरिंग दाइल्ड लाइफ ट्रेड ग्लोबली इन्वेस्टिगेट्स एंड एनालाइज विच फैक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रेड टू प्रोवाइड द लीडिंग नॉलेज बेस्ड पहले ऑलरेडी क्वेश्चन अगर देखें तो आ चुका है हम यहाँ फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं कि ट्रैफिक जो है वो वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग प्रोग्राम एक मतलब मॉनिटरिंग एजेंसी है या एक एन है जो ग्लोबल लेवल पे वाइल्ड लाइफ ट्रेड को मॉनिटर करता है और इन्वेस्टिगेट करता है एनालाइज करता है विच फैक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रेड टू प्रोवाइड लीडिंग नॉलेज बेस उसके इम्पैक्ट की बात करता है कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड का क्या इंपैक्ट हो रहा है बायडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर या ट्रेंड एंड पैटर्न की बात कर स्टडी करता है या ड्राइवर्स की कौन प्रमोट कर रहा है वाइल्ड लाइफ ट्रेड को इंटरनेशनल लेवल पर या अलावदी है भाई जी सभी चीज़ की स्टडी करता है इम्पैक्ट की स्टडी करता है ट्रेंड की करता है पैटर्न की करता है ड्राइवर्स की विच uh, फैक्टर्स प्रमोट दी वाइल्ड लाइफ ट्रेड ग्लोबली तो ऑल ऑफ देक्टर करेक्ट आंसर डी क्वेश्चन नंबर थर्टी में हम बात करेंगे देखिए फिर उसी पर रिपीट क्वेश्चन हो रहा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सेवन एन इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल गवर्नमेंट्स के बीच हुआ कई कंट्री के गवर्नमेंट्स के बीच हुआ है ऑर्गेनाजेशन मीटिंग होस्टेड इन पैरो देखो क्वेश्चन ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ होस्टेड इन पैरो ए टाउन इन भूटान भूटान का एक शहर है यह बाई द रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान वहाँ पर किंग सिस्टम है और चाहिए वहाँ पर तो रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान ने इसे मतलब होस्ट किया था इन जनवरी 2011 थाउजेंड इलेवन बाय देल्प ऑफ ट्रैफिक ट्रैफिक ऑलरेडी पता ही है आपको तो इसका मतलब क्या है ये स्टैंड फॉर मतलब इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है ऑलरेडी हम कई दो बार क्वेश्चन में ऑलरेडी आ चुका है इससे पहले तो इसका आप सही से देखिए साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क इसका फुल फार्म होता है सेवन का साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क ठीक है गाइज अब हम क्वेश्चन देखते हैं फोर्टीन बानटेड ए लाइव बान्टेड ए लाइव एक नाम है कंपेन का जो चलाई जा रही है ट्राफिक के थ्रू पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ बॉन्टेड ए लाइव ट्रैफिक जो हमारा एक एन जी ओ है लेटेस्ट कंपेन है उसकी ठीक है सीरीज कंपेन सीरीज में लाइक के बाद एक चलती रहती है आन फोर एशियन बिग कैट बिग कैट मैंने नाम देखा होगा जो जो आपका होता है ना बिग कैट जो बिल्ली होती है टाइगर्स होता है और लिपार्टस होते हैं ये सब बिग कैट कहलाती हैं फोर एशियन बिग कैट्स बाई ट्रेड ऑफ़ देयर बॉडी पार्ट जो कि पूरे हमारे इस एरिए में इलीगल ट्रेड की वजह से उनके जो बॉडी पार्ट का ट्रेड होता है उससे वजह से वो थ्रेट में है मतलब उनकी कोई इंडेंजर्ड है कोई क्रिटिकल इंडेंजर्ड है इस तरीके से वो थ्रेट में है तो करें ऑफ विच थ्री आर लियोपार्ड उसमें तीन है लियोपार्ड स्नो लियोपार्ड एंड क्लाउडेड लियोपार्ड ठीक है आपको चौथी का नाम बताना है फोर्थ वन इज देखिए एस टाइगर लाइन बियर इसमें से चौथा जो आंसर है इसका गाइज वो आपका है टाइगर ठीक है चार कैट है हमारी लियोपार्ड स्नो लियोपार्ड क्लाउडी लियोपार्ड और चौथा है आपका टाइगर इन चार को कंजर्व करने के लिए ट्रैफिक एक कंपेन चला रहा है जिसका नाम है बॉन्टेड एलाइव ठीक है ध्यान रखना है आपको किसके थ्रू है ट्रैफिक के थ्रू क्या मोटो है इसका टू कंजर्व फोर एशियन बिग कैट्स इंक्लूडिंग लियोपार्ड स्नो लियोपार्ड क्लाउडी लियोपार्ड एंड टाइगर एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन ये भी ट्रैफिक से रिलेटेड है ग्राफिक फुल फॉर्म क्या है ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ एंड फ्लोरा इन कॉमर्स ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम से स्टेब्लिश डेट कब इसका मतलब स्थापना हुई है कब इसका मतलब ये मनाया मतलब इसका जो किस ईयर में ये बना था 1978-1979 जब मैंने पूरा टॉपिक पढ़ाया तो उसमें सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है कि 1979 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था तो आई होप गाइस कि कंप्लीट लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि आपके कंजर्वेशन से डिपेंड है तो इस दा थैंक यू वेरी मच